बाइडेन प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत हुण H-1B वीजा समेत विदेशी वर्करां लई जारी होने वाले वीजा ते लगाई गई पाबंदी खत्म हो गई है। इस फैसले दे नाल लखां भारती IT पेशेवरां नूं फायदा होने की आस है। असल दे विच ट्रंप ने इस तरह के वीजे ते 31 मार्च तक रोक लगाई सी, पर बाइडेन सरकार ने इस म्याद नूं अगे ना वधाउण दी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की। इस नाल साबका ट्रंप सरकार का आदेश खत्म हो गया। तालाबंदी और कोरोना संकट के दौरान ट्रंप ने पिछले साल जून के H-1B वीज़ा समेत विदेशी वर्करां लई जारी होने वाले वीज़ा से 31 दसंबर तक रोक लगा दी सी। ट्रंप ने तर्क दिता सी कि जेकर विदेशी कामियां नूं देश विच आउण दी इजाजत दिती जांदी है तां घरेलू कामियां नूं नुकसान होवेगा। बाद विच उन्होंने इस दी समा सीमा वधा के 31 मार्च कर दिती सी। राष्ट्रपति जो बाइडन ने वीजा पाबंदी जारी रहन दे पक्ष विच किसी भी तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं की। पहला भी उन्होंने ट्रंप दीआं इमीग्रेशन नीतियां नूं बेरहम दसदिआं H-1B वीज़ा ते पाबंदी हटाउण दा वादा कीता सी। इत्थे दस दईए कि H-1B वीज़ा गैर प्रवासी वीज़ा है। इह केस कर्मचारियों नूं अमरीका दे विच 6 साल काम करने लई जारी किया जाता है। अमरीका दे विच कंपनियों नूं इह वीज़ा अजिहे कुशल वर्करां नूं रखने लई दिता जाता है जिन्हां की अमरीका दे विच कमी हुंदी है। इस वीज़ा लई कुछ शर्तां भी हन, जिवें इस नूं हासिल करन वाले व्यक्ति नूं ग्रैजुएट होण दे नाल किसी एक खेत्र दे विच विशेष योग्यता हासिल होनी चाहीदी है। इस दे नाल ही इस नूं पाउण वाले कर्मचारी की तनखा घट्टो घट्ट $60,000 मतलब 40 लाख रुपए सालाना होनी लाजमी है। इस वीज़ा की एक खासियत यह भी है कि एक होर यह होर देशों के लिए देशों के लोगों अमरीका दे विच वसन का रस्ता आसान करता है।